हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निर्मा का जायका। आज हम पनीर का सब्जी बना रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हम ले लिया है 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 100 ग्राम पनीर जिसको टुकड़ों में काट लिया है, 2 टमाटर बड़े कटे हुए, 8 से 10 काजू, 1 प्याज बड़ा कटा हुआ और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 1 चम्मच गरम मसाला है। अब एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी गर्म हो जाने के बाद उसमें 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। अब जो प्याज हमने काट के रखा हुआ था उसको कढ़ाई में भूनने के लिए डाल देंगे। प्याज को कलर बदलने तक भून लेंगे। अगर अच्छा भूनेंगे प्याज तो हमारा ग्रेवी का कलर अच्छा आता है। प्याज को भूनने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। प्याज हमारा हो गया है। अब इसमें जो बाकी हम काट के रखे हुए थे ग्रेवी बनाने के लिए, वो सब कुछ भी डाल देते हैं। पहले यहाँ पर हम 2 टमाटर डाल दिए। तीन हरी मिर्च डाल दिए, लहसुन की कलियाँ डाल दिए, अदरक का टुकड़ा डाल दिए। अच्छे से चला लेते हैं। अब जो काजू हमने लिया था 8 से 9, उसको भी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा हम पका लेते हैं। जब तक काजू हमारा पक जाता है तो अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाएगा इसका। अब इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, इसको अच्छे से भून लेते हैं। काजू को मुलायम होने तक हम पका लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे और इसको चलाते हुए पका लेते हैं। थोड़ा सा और पकाएंगे। देखिए अब हमारा हो गया है। अब इसको हम ठंडा करके और मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में डाल लेते हैं, फिर कुछ देर रखेंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा तो इसको पीस लेंगे। इसका पेस्ट बनाना है। अब एक कढ़ाई हम गरम करेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। अब इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसको डाल देंगे। अब हल्दी पाउडर डाल देते हैं, लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपको कम पसंद हो तो कम ही डालिएगा। गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं। हमें यहाँ याद रखना है कि नमक हमने प्याज को भूनते हुए भी डाला था, तो थोड़ा सा नमक कम ही डालें। अब यहाँ पे हम सब्जी मसाला मिला देते हैं। आप रोज़ सब्जी में यूज होने वाला मसाला डाल सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे 2 चम्मच किचन किंग मसाला ले लेते हैं। अब सबको अच्छे से भून लेना है। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हमारा ऐसा कलर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अभी और भूनना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी और भून लेते हैं। इसको हम लोग तेल छोड़ने तक पकाते हैं, तब हमारा मसाला अच्छा भूनता है। देखिए अब मसाला हमारा तेल छोड़ने लगा है। अब लगभग तैयार है मसाला। अब हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए इसको हटा देते हैं। अभी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी को गर्म होने देते हैं और जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे। थोड़ा सा और गर्म हो जाने देते हैं। अब यहाँ पे हम अदरक डाल दिए। अदरक को 1 से 1 मिनट तक भून लेंगे। पनीर की अच्छी दोस्ती है अदरक के साथ। अदरक हमारा भुन गया है। अब इसमें हम कटा हुआ पनीर डाल देते हैं। 1 से 2 मिनट तक इसमें पकाएंगे और फिर इसके बाद जो हमने ग्रेवी तैयार किया था उसको डाल देंगे। अब यहाँ पे हम 1/2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, इसको डालने से कलर अच्छा आएगा।
मिर्च को हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो ये जल सकते हैं। अब हम इसमें जो ग्रेवी तैयार किए थे उसको डाल देंगे और इसी बर्तन में 2 कप पानी डाल देते हैं। पानी को भी हम सब्जी में डाल दिए। चलाते समय हमें ध्यान देना है पनीर हमारा टूट सकता है, तो धीरे धीरे चलाएंगे, ज़्यादा चलाना नहीं है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ऐसा सब्जी का रंग आ जाता है। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल देते हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्जी हमारी तैयार है, इसको आप रोटी या पराठे के साथ खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए। सब्जी को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच मलाई डाल देंगे। हमारी एक सब्जी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।